गांधी की 63 दिवसीय भारत जोड़ो न्याय यात्रा के समापन के एक दिन बाद विपक्षी गुट इंडिया के नेताओं की मुंबई के शिवाजी पार्क में रैली हुई, जहां कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने रविवार को दावा किया कि केंद्र का सत्ताधारी बीजेपी सिर्फ शोर करती है लेकिन उसमें संविधान को बदलने का साहस नहीं है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने रविवार को दावा किया कि केंद्र की सत्ताधारी बीजेपी सिर्फ शोर मचाती है लेकिन उसमें संविधान को बदलने का साहस नहीं है। राहुल गांधी ने मुंबई में महात्मा गांधी के घर मणि भवन से अगस्त क्रांति मैदान तक न्याय संकल्प पद यात्रा निकाली। यहीं से 1942 में अंग्रेजों के खिलाफ भारत जोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। इसके बाद राहुल गांधी ने एक हॉल में सभा को संबोधित किया। ये आप मत सोचिए कि बीजेपी आ गई, कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म कर देंगे, ये कर देंगे, कुछ नहीं, इनमें इतना दम नहीं है, ये नहीं कर सकते। ये इन्होंने मीडिया को कैप्चर कर रखा है, ये आवाज बहुत करते हैं मगर सच्चाई और हिंदुस्तान हमारे साइड है। वायनाड से लोकसभा सांसद ने कहा कि मौजूदा लड़ाई दो विचारधाराओं के बीच है, ना कि बीजेपी और कांग्रेस के बीच। एक आत्मा कहती है कि हिंदुस्तान बीच से चलाया जाएगा, ऊपर से चलाया जाएगा और सारे लोग ऊपर देख के ऑर्डर लेके इस देश को चलाएंगे, और एक दूसरा तरीका है कि हिंदुस्तान को डिसेंट्रलाइज तरीके से हिंदुस्तान के सब लोगों को सुनकर चलाया जाए। राहुल ने कहा कि बीजेपी केंद्रीय तरीके से काम करती है, जहां हर आदेश ऊपर से आता है। सब कुछ नरेंद्र मोदी जी से निकलता है, उनके विजन में और आरएसएस के विजन में ज्ञान एक व्यक्ति के पास है, किसान के पास ज्ञान ही नहीं, मजदूर के पास ज्ञान ही नहीं है, बेरोजगार युवा को कोई समझ नहीं है। आईआईटी की डिग्री है तो पूरी दुनिया को समझ गया, यह थिंकिंग है। कांग्रेस नेता ने कहा कि भारत में करीब 5% लोगों की ही देश की न्याय व्यवस्था और तमाम संस्थाओं तक पहुंच है, देश के 90% लोगों के साथ हर रोज नाइंसाफी होती है। देश में गरीबों के साथ, किसानों के साथ, दलितों के साथ, महिलाओं के साथ, युवाओं के साथ, सबके साथ हर रोज अन्याय होता रहता है। 2-3% लोग हैं इस देश में जिनको न्याय का एक्सेस मिलता है, 2-3%, ज्यादा से ज्यादा 5% लोग हैं, उनके लिए कोर्ट्स काम करते हैं, उनके लिए सरकार काम करती है, सारे इंस्टीट्यूशंस में उनके लिए जगह है। बट अगर हम 90% लोगों को देखें, उनके साथ 24 घंटा अन्याय हो रहा है। उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा के दूसरे चरण में न्याय शब्द जोड़ने के बारे में विस्तार से बताया। अगर आप हिंदुस्तान के धन को देखें और उसको ट्रैक करें तो आपको दिखेगा कि ये जो सोने की चिड़िया कही जाती है, इसका पूरा का पूरा धन किसानों से, युवाओं से, दलितों से, आदिवासियों से, पिछड़ों से छीन कर ये 20, 25, 50, 200 कितने लोग हैं, ज्यादा नहीं है, इनके ओर फनल होता है। तो इसलिए हमने दूसरी यात्रा में न्याय शब्द जोड़ दिया और इस यात्रा में हमारा फोकस उस पे था कि किस प्रकार का अन्याय हो रहा है। राहुल गांधी ने शनिवार को सेंट्रल मुंबई में डॉक्टर बीआर अंबेडकर के स्मारक चैत्य भूमि पर श्रद्धांजलि दी, यहां संविधान की प्रस्तावना पढ़ी और अपनी 63 दिन लंबी भारत जोड़ो न्याय यात्रा को खत्म किया। लोकसभा चुनाव से पहले यह यात्रा जनसंपर्क यात्रा थी। भारत जोड़ो न्याय यात्रा 14 जनवरी को मणिपुर से शुरू हुई थी।
कांग्रेस नेता राहुल गांधी और पार्टी महासचिव प्रिया